अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दोस्तों की हाल चाल उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब नु अपने इज्जत मान च रखे। ते एदी मां ए साज की फिर बंदा कोई पिछे ओ सज ना मादी ने अच्छी लाई होनी है। कुड़े तीन बच्चे ने बाप दे उत्ते चले गए ने, पांच मां दे चली गई, पांच बच्चे ने। अच्छा ए तीन अगे मैं देखने चौथी आई ए अच्छी है। अब प्यो दो भरा एक मां देखी इदे जो खराबी हैगी नहीं जेड़ी बाप च या बाकी भैणा भरावां दे ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਾਮਾ ਬਚੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਸਾਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂ शरारत हो सारे फेल हो जा रहे चंगी मादी है। असल ना बड़ी गल होंदी जी, दोस्तां दा एडी दूरों आई ना कबूतर इन्होंने डिब्बे च पाए ने, ते डिब्बियां च पा के एडी दूरों लै के बाइक दे उत्ते, हाँ जी डियाल पिंड तों तशरीफ लै के आए ने, बार्डर दे करीब है डियाल पिंड, उत्थों तशरीफ लै के आए ने। पहले बेचारे खज्जल होए ने, शाहपुर मंडी चले गए ने, शाहपुर तों फिर जिहड़ा ना वापस इधर आए ने बकर मंडी साढ़े को, न्याजी अड्डे के कोल साड़ी जी बकर मंडी न्याजी अड्डे के कोल है। जो दोस्त लाइव नाल जुड़े जी उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मोहब्बत है। काफ़ी दोस्तों ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, माजरत क्योंकि वो जो लाइव चल रहा होंगे फिर अपनी गपशप लगी हुई है, सलाम का जवाब ही नहीं दिता जाता। तो बेच पाँच सत कबूतर बहुत अच्छे इन्होंने को आए हैं, एक चीना कबूतर बड़ा शानदार आया, एक चैडी कबूतर बड़ा अच्छा आया, हाँ जी बहुत शानदार सब जी ना लाजवाब कबूतर है। इस तरह के जो कबूतर ने तुहाडे कोल मेरा ख्याल है कि तुहाडे 8-10 जोड़े वधिया बन जाते हैं जी। तो इन्होंने कबूतर तकरीबन फड़े ही ने, उन्होंने अपनी बड़ी ईमानदारी नाल दस्सिया, उन्होंने कहा जी असीं सारे फड़ के ही बनाए ने, तो फड़े च बड़ा बड़ा अच्छा परिंदा आ जाता, ज़ाहिर है जो अच्छे उड्डे हुए वो भी ज़ाया हो जाते हैं, अच्छे ही ज़ाया होंदा। तो उन्होंने अच्छे परिंदे जोड़े ने, कुछ जो जो सिलेक्ट होए ने ला लो इंशाल्लाह तुहाडी गेम सिद्धी हो जाएगी, तुहाडे कोल 4 जोड़े वधिया बन जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी साहब जी की कहोगे इन्हों के एडी दूरों आने का जज्बा देख के? साजिश हो गए ना जनू, हाँ जी क्यों जी रशीद साहब जी शौक का काम है जी, इन्ना दूर जज्बा ही है ना। हाँ तो डबल पी पै गई एक दफा रस्ता हो गए, मजे चो निकल के जल्दी जल्दी फोन ऑन किया, मैं यार बेचारे खज्जल ना हो जी। दोस्तों बहुत शुक्रिया जेडे नाल प्रोग्राम देख रहे सी, ते मैं गल जरूर कहनी चाहवांगा कि इहो जिहे जिहड़े नौजवान जनूनी ने इन्हां दे नाल ही इह शौक कायम है, ते शौक दा हुसन वी है, बड़ी खुशी हुंदी है देख के, जज्बा देख के दोस्तां दा और मुहब्बत देख के, और सानू वी इस काबल समझदे इन्हां दी मुहब्बत है कि सानू कबूतर दिखाउण लिआए ने। असीं वी कोशिश हुंदी है कि पूरी ईमानदारी दे नाल जिहड़ा परिंदा है जिस तरह दा हैगा उहनूं दसीए, ताकि जिहड़ा दोस्त इन्नी दूरों सफ़र करके आया, इन्नी मेहनत करके आया, उहदा टाइम ज़ाया ना होवे, उहदी टाइम ना ज़ाया होवे और आसानी नाल उहदा शौक जाए, ते इहो कोशिश हुंदी है कि अच्छे तरीके ना गाइड कर दी है, क्योंकि मेरी एक कोशिश है, मैं अलहमदुल्ला अज तक ना जिथे भी परिंदे जाके देखे ने ना अपनी पूरी ईमानदारी के नाल सिलेक्ट करी देने, उहदी वजह कि क्योंकि असी ना तो कभी किसी को परिंदा लिया है और ना कभी मंगया है, उहदे विच अल्लाह बरकत पाता, क्योंकि तुसी नेक नीति और ईमानदारी के नाल किसी का काम करोगे ना तो अल्लाह उहदे विच बरकत पाता, जो तुहाडी नीयत च फतूर आई है बेईमानी आई है तो फिर बरकत अल्लाह की ज़ात खत्म कर देती है। तो इसलिए कोशिश करी थी कि जो सच है वही दसीए, अगो अगले की अपनी मर्जी होंगी है, वह किस एंगल ना लेंदा या किस तरह उन्होंने अगो देखता,
ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।